सो हे व्हाट इज अप गाइस, कैसे हो सब? यार मैं हूं रेबेल और आप सभी देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल रेबेल गेमिंग। तो यार अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो और बेल आइकन ऑल पे सेट कर देना। सो गाइस यार आज की इस वीडियो में आप लोग को मैं बताने वाला हूं, आप सभी का अगर सैमसंग का डिवाइस है तो ये वीडियो आप लोग के लिए यूजफुल होने वाली है। अगर आप लोग सैमसंग के डिवाइसेस को यूज करते हो, एफ सीरीज, एम सीरीज, ए सीरीज, कोई भी सीरीज अगर आप यूज करते हो, अगर आपको डेली एक्सपेंशन पैक डाउनलोड करना पड़ता है, आपको इसका सॉल्यूशन नहीं पता, तो यार मैं इसी वीडियो में इसके बारे में बताने वाला हूं। तो यार वीडियो के साथ बने रहो और वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है। तो यार सबसे पहले मैं बता दूं एक प्रॉब्लम के बारे में, इस प्रॉब्लम के बारे में। तो गाइस यार ये प्रॉब्लम आप लोग कोई भी सैमसंग के डिवाइसेस में देखने को मिल जाएगा। तो यार मैं अभी न्यू जो मॉडल्स आ रहे हैं उनके बारे में बता रहा हूं, और जो पुराने मॉडल्स वाले सैमसंग के डिवाइस यूज करते हैं तो यार उनके लिए भी ये वीडियो ध्यान से देखना, सब कुछ इसी वीडियो में पता चलेगा। देखो यार यहां पे मेरे को फिर से एक्सपेंशन पैक डाउनलोड करना पड़ रहा है। बस इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं लेके आया हूं, ताकि आप लोग को बार बार एक्सपेंशन पैक डाउनलोड ना करना पड़े। और साथ ही साथ यार मैं बता दूं इससे पहले कि यार जो आपका जो भी डिवाइस हो ठीक है उसमें ये प्रॉब्लम होगी कैसे सॉल्व करना, ये इसी वीडियो में खास कर। और गाइस अगर कोई और भी डिवाइसेस में होती है मेरे को कमेंट करके बताना, ठीक है, मैं भी उसके सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करूंगा जरूर से जरूर। हालांकि मुझे बहुत ज्यादा अच्छे से पता है सारे गेमर्स Xiaomi के फोन इसी यूज करते हैं ज्यादातर, तो उसी के बारे में बताना चाहिए था। बट यार मेरे पास अभी सैमसंग का डिवाइस है और मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने बस सोचा इसी के ऊपर वीडियो बनाते हैं। तो अभी आप लोग समझ जाओ, यहाँ पे ध्यान से देखो। गाइस यार आप लोग को कुछ करना नहीं है, आप लोग को सबसे पहले आ जाना सेटिंग्स में, ठीक है। आप लोग को अपना सेटिंग्स ओपन कर लेना है कुछ इस तरह से। तो यार उसके बाद आप लोग को स्क्रोल डाउन करके आना है यहाँ पे गाइज एकदम नीचे, ठीक है, यहाँ पे एकदम नीचे आ जाना है। तो जैसे ही आप लोग नीचे आओगे तो यार कहाँ गया वो एक आप लोग को यहाँ पे, हाँ तो गाइज आप लोग को यहाँ पे बैटरी एंड डिवाइस केयर दिखेगा आजकल के न्यू मॉडल्स में। तो आप लोगों को यहाँ ऊपर दिख रहा है जो थ्री डॉट्स, उस पर क्लिक करना है, उसके बाद स्टोरेज बूस्टर पे क्लिक कर देना है। उसके बाद जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। उसके बाद गाइज आप लोग को यहाँ एकदम नीचे, आप लोग को नीचे एकदम दिखेगा ऑटो डिलीट अननेसेसरी डेटा, ठीक है, आप लोग को इसको ऑफ कर देना है। उसके बाद आप लोग का ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर आप लोग का ये ऑन होता है तो आप लोग को जल्दी से ऑफ कर देना है। और बाकी के जो पुराने मॉडल्स जो बंदे यूज करते हैं जैसे जे सीरीज हो गए और बाकी के कुछ मतलब नॉर्मल फोन्स हो गए, यार आप लोग को भी इसी तरह से सेटिंग्स में आ जाना है। और आप लोग को भी सीधा डिवाइस केयर दिखेगा, आप लोग को स्टोरेज एंड डिवाइस केयर ऐसा कुछ भी नहीं दिखेगा, आप लोग को भी डिवाइस केयर ही दिखेगा। सीधे सीधे आप लोग को उस पर क्लिक करना है, फिर स्टोरेज बूस्टर आ जाएगा और ठीक उसके डाउन में आप लोग को ये अननेसेसरी डाटा वाला आ जाएगा, ठीक है। अगर आपका नहीं आता है तो आप लोग को भी थ्री डॉट्स कहीं ना कहीं दिया होगा, उसमें से स्टोरेज बूस्टर में जाने के बाद ही आप लोग को ये मिलेगा। तो गाइस उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। तो आप लोग को यहाँ पे कुछ भी और छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक है, कुछ भी गलत काम मत कर देना यहाँ पे, वरना मेरे को मत बोलना बाद में। तो अब मैं बात करना चाहूंगा अपने रेगुलर टॉपिक के बारे में, करीना फ्री फायर के बारे में। तो यार अभी मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को, जल्दी मैं इसकी मॉन्टेज वीडियो डालूंगा और जल्दी इस न्यू फोन के साथ मैं गेम प्ले वीडियो भी डालूंगा। तो अगर चैनल पे हो तो यार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या बाय बाय।